जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक ये वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपको इसके बारे में समय समय पर सभी अपडेट दिए जाएंगे। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अब आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है, लिंक आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि 1088 पोस्ट इसमें निकाली गई है। 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल EWS WFF अदर स्टेट के लिए 600 रुपये है, SC ST OBC EWS BPL के 150 रुपये फीस है। ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। फॉर्म आप लोग 4 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर 2024 तक भर पाएंगे। इसमें मेल कांस्टेबल के लिए 708 पोस्ट है और फीमेल कांस्टेबल के लिए 380 पोस्ट है। एज लिमिट 18 से 26 साल के बीच रखी गई है और 1/1/2024 तक आपकी एज काउंट की जाएगी। अब आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF से जान सकते हैं कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी क्या है। फिर और भी डिटेल में आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या आवश्यकता पड़ने वाली है रजिस्ट्रेशन करते समय, उसकी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहां पर आपको आपका फिजिकल क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में जानने को मिलेगा। तो ये सभी जानकारी आप यहां से जान लेंगे, एग्जाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में। एंड उसके बाद में आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइस यहां पर आपको सबसे पहले ईमेल एड्रेस के अंदर जो ईमेल आप रजिस्टर करना चाहते हैं वो यहां पर डालेंगे। फिर आपका मोबाइल नंबर आपको यहां पर भरना है। उसके बाद में सिक्योरिटी क्वेश्चन में यहां पर जैसे कि विच वाज योर फर्स्ट पैट या फिर व्हाट इज द नेम ऑफ योर फेवरेट चिल्ड्रन चाइल्डहुड फ्रेंड, तो कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लें। या इसका आंसर आपको जो भी रखना है वो आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ये आपको तब काम आता है जब आप आपका पासवर्ड भूल जाते हैं और आप उसको रिकवर या फिर रिसेट करते हैं। अब आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे जिसका एग्जाम्पल आपको दिया भी है कि आपके पासवर्ड के अंदर डिजिट भी होने चाहिए, स्पेशल करेक्टर भी होने चाहिए, इंग्लिश का कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर भी होना चाहिए। अब इस पासवर्ड को दोबारा डाल करके आप वेरीफाई करेंगे। ये सिक्योरिटी की यहां पर डालेंगे, आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन इसके ऊपर टिक करेंगे एंड देन रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइस यहां पर आपको सबसे पहले ईमेल एड्रेस के अंदर जो ईमेल आप रजिस्टर करना चाहते हैं वो यहां पर डालेंगे। फिर आपका मोबाइल नंबर आपको यहां पर भरना है। उसके बाद में सिक्योरिटी क्वेश्चन में यहां पर जैसे कि विच वाज योर फर्स्ट पैट या फिर व्हाट इज द नेम ऑफ योर फेवरेट चिल्ड्रन चाइल्डहुड फ्रेंड, तो कोई भी एक ऑप्शन यहां पर आप सेलेक्ट कर लें। या इसका आंसर आपको जो भी रखना है वो आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आपको तब काम आता है जब आप आपका पासवर्ड भूल जाते हैं और आप उसको रिकवर या फिर रिसेट करते हैं। अब आप यहां पर एक पासवर्ड बनाएंगे जिसका एग्जांपल आपको दिया भी है कि आपके पासवर्ड के अंदर डिजिट भी होने चाहिए, स्पेशल करेक्टर भी होने चाहिए, इंग्लिश का कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर भी होना चाहिए। अब इस पासवर्ड को दोबारा डाल करके आप वेरीफाई करेंगे। ये सिक्योरिटी की यहां पर डालेंगे, आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन इसके ऊपर टिक करेंगे एंड देन रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा और आपके सामने अगर लॉगिन का पेज आता है ये वाला जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं, तो आप यहां पर यूजर आईडी के अंदर जो आपने ईमेल रजिस्टर की है वो डालेंगे, जो पासवर्ड अभी आपने बनाया वो फिल करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। अब मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है क्योंकि मैंने पहले भी इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म भरा है, तो यहां पर मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। अभी आपको पहले इसमें आपकी प्रोफाइल बनानी होगी। मैं यहां पर अपनी प्रोफाइल को अपडेट करके आपको दिखाता हूं कि कहां पर आपको क्या जानकारी भरनी है। सबसे पहले यहां पर पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको आपका नाम देना होगा, जिसमें कि आपका जो नाम है वो सेलेक्ट करेंगे, मिस्टर मिसिज, फिर आपका नाम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, जेंडर आपको यहाँ पर आपका बताना होगा, फिर फादर नेम भरेंगे, उसके बाद में मदर नेम भरेंगे, मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड, मैरिड, डाइवोर्स्ड, जो भी है वो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, आइडेंटिफिकेशन मार्क आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, तो जो भी आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, अगर नहीं है तो नो मार्क लिख दीजिएगा। सेलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट यू बिलोंग, डोमिसाइल ऑफ HP यानी कि HP के निवासी है, बोनाफाइड ऑफ HP यानी कि HP के स्थायी निवासी है, तो आप दोनों के ऊपर टिक कर देंगे। फिर तीसरा है नन ऑफ अबो यानी कि ऊपर ऊपर दोनों में से कुछ नहीं है आप। तीसरा फोर्थ है टेंथ एंड ट्वेल्थ पास्ट फ्रॉम स्कूल लोकेटेड इन HP यानी कि आपने 10वीं एंड जो आपकी 12वीं है वो हिमाचल प्रदेश से की है। और इसके अलावा यहाँ पर फिर
आपसे पूछा कि स्टेट टू विच यू बिलोंग, आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप सिलेक्ट कर लेंगे। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। सब कैटेगरी आपकी अगर आपकी इनमें से कोई है तो वो आपको टिक कर देनी है। इसके बाद नेशनलिटी आएगी तो नेशनलिटी आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। रिलीजन आपका जो भी है वो रिलीजन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। माइनॉरिटी, क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आर यू रजिस्टर्ड विद एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, यानी कि जो रोजगार कार्यालय है क्या आप उसके अंदर रजिस्टर्ड है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो के ऊपर टिक करेंगे। उसके बाद आप इस जानकारी को सेव कर देंगे। फिर यहाँ पर आपके सामने जैसे ही आप सेकंड ऑप्शन पर आएंगे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर, तो आपको मोबाइल नंबर और अल्टरनेट ईमेल आईडी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। फिर आप नीचे की तरफ आएंगे तो आप यहाँ पर आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस देखेंगे। तो आपका जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पर भर देंगे। इसमें एड्रेस के सेक्शन में पूरा एड्रेस आपको लिखना है, फिर आपका पिन कोड डाल देना है, आपकी स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है और अपना डिस्ट्रिक्ट भी आपको भर देना है। मैंने पूरा एड्रेस यहाँ पर फेक और डेमो के लिए भरा है, तो आप मेरे एड्रेस पर ना जा करके अपना रियल एड्रेस यहाँ पर भरिएगा। नीचे है परमानेंट एड्रेस और लिखा एक लाइन है सेम एज अबो। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है, यानी कि जो एड्रेस आपने ऊपर भरा वही आपका परमानेंट एड्रेस है, तो आप सेम एज अबो के ऊपर क्लिक कर दें, फिर वो एड्रेस नीचे भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद आप इस जानकारी को भी सेव कर देंगे। देन गाइज यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी का सेक्शन आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी प्रोफाइल पहले से बनी हुई है, इसलिए मेरी जानकारी यहाँ पर भरी हुई है, पर आप यहाँ पर एड न्यू क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके भरेंगे, जिसमें कि सबसे पहले आपको मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट करना होगा, फिर क्वालिफिकेशन में यहाँ पर जो आएगा वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर गाइज आपको क्वालिफिकेशन स्पेशलाइजेशन वो सेलेक्ट कर लेनी है, अगर आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इसके बाद आपको आपके बोर्ड का नाम देना है जहाँ से आपने आपकी 10वीं की है। इंस्टीट्यूट नेम यानी कि कौन से इंस्टीट्यूट से, स्कूल कॉलेज से आपने की है उसका नाम आप दीजिएगा। सब्जेक्ट ऑप्टेड, क्या क्या सब्जेक्ट आपके पास 10वीं के अंदर थे वो सब्जेक्ट आप यहाँ पर लिख देंगे। रिजल्ट स्टेटस क्या है, पास, अपेयरिंग या फिर रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, अगर पास तो पास सेलेक्ट कर ले। फिर पासिंग ईयर बताए कि किस साल के अंदर पास किया है, परसेंटेज कितनी है, अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके फिल करेंगे। सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे, सर्टिफिकेट कब इशू है वो डेट आप यहाँ पर दे देंगे। अगर आपको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है, आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन नहीं है, तो आप एक एक्सपेक्टेड डेट भी यहाँ पर भर सकते हैं, कब तक आपका सर्टिफिकेट वैलिड है वो आप यहाँ पर डेट एंटर कर देंगे। अगर आपको नहीं पता तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जिसका फॉर्मेट आपको PDF में रखना होगा। अगर वो इमेज के अंदर है तो आपको गूगल के अंदर इमेज टू PDF सर्च करना है, पहले वाली जो वेबसाइट आएगी इसको ओपन करना है, आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है वो फाइल सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन करनी है और कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करके उसको PDF के रूप में बना करके यहाँ पर अपलोड करने के बाद सेव क्वालिफिकेशन करना है। तो आपकी इस तरह से यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन की जानकारी है वो ऐड हो जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। फिर सेम तरीके से आपको 12वीं की जानकारी भरनी है, अब आप क्वालिफिकेशन लेवल में इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर इस तरह से आपको आपका बोर्ड का नाम देना है, स्कूल कॉलेज का नाम देना है, सब्जेक्ट बताने हैं जो 12वीं के अंदर थे, रिजल्ट स्टेटस बताना है, पासिंग ईयर, परसेंटेज, सर्टिफिकेट नंबर और फिर सर्टिफिकेट इशू डेट, और उसके बाद आप इसको सेव क्वालिफिकेशन करके यहाँ पर क्वालिफिकेशन ऐड कर देंगे। अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी है तो आप यहाँ पर अब ग्रेजुएशन का सेक्शन सेलेक्ट करके क्वालिफिकेशन इनमें से कौन सी है वो सेलेक्ट कर लेंगे। क्वालिफिकेशन स्पेशलाइजेशन क्या है, इकोनॉमिक्स या फिर जनरल, वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देना है जहाँ से आपने की है, फिर इंस्टीट्यूट का नाम देना है जहाँ से आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट की है। मैं आपको यहाँ पर ये रियल टाइम में भर करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ दो ही क्वालिफिकेशन ऐड करके रखी है। सब्जेक्ट ऑप्टेड, क्या क्या सब्जेक्ट आपके पास थे वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे रिजल्ट स्टेटस, तो बताइए पास या फिर अभी आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। अगर पास तो बताइए कि किस साल के अंदर आपने इसको पास कर लिया था, और उसके बाद फिर यहाँ पर आपकी परसेंटेज कितनी है वो डाल देंगे। सर्टिफिकेट नंबर आपको भरना है, सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है वो डेट यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे, एंड देन फिर आप सेव क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जानकारी भी आपकी इस तरह से यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अभी आप नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड इमेज का सेक्शन देखने को मिलेगा जहाँ पर फॉर्मेट JPG, JPEG या फिर PNG इनमें से कोई रखना है, और डायमेंशन फोटो क्या होना चाहिए वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर के बीच में। अब आप यहाँ पर आपका चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके फोटो फाइल सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, और फिर सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेंगे और आपका यहाँ पर फोटो साइन इस तरह से आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना होगा, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। मैं यहाँ पर आता हूँ, इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, आपका फोटो यहाँ पर इस तरह से आएगा। इसी प्रकार से सिग्नेचर की फाइल सेलेक्ट करेंगे एंड साइज कितना होना चाहिए वो भी आप देख सकते हैं। फिर आप इसको सेव कर देंगे, यानी कि अपलोड के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर देंगे, एंड देन आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज वर्क एक्सपीरियंस में पूछा कि क्या आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो करके सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंट का सेक्शन आएगा,
जाएगा, जहाँ पर आप 10th का सर्टिफिकेट अगर आपको अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है वो अपलोड कर देंगे, 12th का और फिर जो भी बेसिकली यहाँ पर आपको बोला जा रहा है वो आप अपलोड कर देंगे। अभी यहाँ पर मुझे BA का सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पर मैं चूज फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ, जहाँ पर भी सर्टिफिकेट है उस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ओपन करता हूँ और उसके बाद में सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो जो आपकी फ़ाइल है वो यहाँ पर इस तरह से अपलोड होकर के आ जाएगी। जैसे कि 10th का सर्टिफिकेट भी अपलोड करने का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ पर इसमें भी एक रैंडम फाइल ही आपको अपलोड करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आपको यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट जो आपको अपलोड करने को बोले गए जा रहे हैं वो अपलोड कर देने हैं। फिर गाइज़ यहाँ पर जो आपकी प्रोफाइल है वो कम्प्लीट हो जाएगी। जैसे ही आपकी प्रोफाइल कम्प्लीट हो जाए तो आपको यहाँ पर इसी वाले इंटरफेस पर आना है जहाँ से आपने अपनी प्रोफाइल को कम्प्लीट करना शुरू किया था। अभी यहाँ पर आप ऊपर की तरफ जो वैकेंसी एक्टिव है हिमाचल प्रदेश पुलिस के अंदर कांस्टेबल की वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अप्लाई का एक ऑप्शन दिया है, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए एंड देन आप यहाँ पर अगेन अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि जो भी जानकारी आपने भरी थी वो आपके सामने है और कुछ जानकारी आपको यहाँ पर और भरनी है। जैसे कि यहाँ पर है एग्जाम सेंटर रजिस्ट्रेशन, तो पहली प्रेफरेंस आप एग्जाम सेंटर के लिए किसको देना चाहते हो सिलेक्ट करना है, सेकेंड किसको दे रहे हैं, थर्ड किसको दे रहे हैं, फिर फोर्थ प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर पूछा कि डू यू प्रोसेस NCC सर्टिफिकेट, अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। यहाँ पर आपको फोर्थ में सिलेक्ट होम डिस्ट्रिक्ट, आपको आपकी होम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है ना कि एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस, माफ़ी चाहूँगा। 3 में तो आप आपके एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस दे रहे हैं और 4th वाले ऑप्शन में आपको आपकी होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर बाकी की जानकारी जो आपने भर रखी है अभी प्रोफाइल बनाते समय वो वेरीफाई कर लेनी है, यानी कि चेक कर लेना है। एंड देन नीचे आकर के एडिशनल डॉक्यूमेंट में देखेंगे, अपलोड सर्टिफिकेट ऑफ 10th एंड 12th इन सिंगल PDF और हिमाचल बोनाफाइड सर्टिफिकेट एज पर एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पर आपको या तो जो हिमाचल का निवास प्रमाण पत्र है वो अपलोड करना है या फिर आपको 10वीं एंड 12वीं की मार्कशीट एक सिंगल PDF के अंदर बना करके वो अपलोड करनी है। इसके बाद अगर आपने NCC सर्टिफिकेट में यस किया तो वो सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे और फिर आप यहाँ पर टिक करके सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आप जैसे ही यस करते हैं तो यस करने पर गाइज आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और इसके बाद में सिर्फ आपको आपकी एप्लीकेशन फीस जमा करनी है। आप व्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से फॉर्म को व्यू कर सकते हैं और फिर सबमिट पर क्लिक करके यहाँ से यस कर करेंगे और अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया है, आप आपकी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर जिस भी माध्यम से जमा करना चाहे कर सकते हैं, ई बैंकिंग या फिर मैनुअली। इसके अलावा यहां पर आपको इनमें से कोई एक माध्यम सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं यहां पर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं। फिर ये जो कैप्चा कोड है वो कैप्चा कोड आपको यहां पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में आप मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपके सामने पेमेंट के काफ़ी सारे विकल्प आएंगे जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी फ़ीस को जमा कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर फीस जमा कर देंगे आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा और उसके बाद में आप आपके फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। प्रिंट लेने में कोई प्रॉब्लम हो तो आपने जहाँ से लॉगिन किया था यहीं पर लॉगिन करके अपने फॉर्म का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं और फॉर्म को प्रिंट भी कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग HP पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2024 को भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।